हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब देखिए, इसमें आप अगर इसकी कुछ डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं तो 7th क्लास का भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है जो कि इससे काफ़ी सिंपल है, और वो आप थोड़ा सा वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो है उसी का थोड़ा आगे एडवांस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चैप्टर इज़ क्वाइट ईजी, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखिए, ये देखिए इस तरह से कुछ हमारे पास ये नंबर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, 2 to the power 3 सपोज। तो इसमें 2 क्या है, 2 इज़ बेस एंड 3 इज़ पावर, ठीक। और अगर ये पावर नेगेटिव हो जाए, अगर सपोज ये ऐसा हो जाए, तो इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें टर्म का रेसिप्रोकल करना पड़ता है, टर्म को हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है। अगर हम टर्म का रेसिप्रोकल बना देते हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट होता है टू फाइंड द आंसर, टू फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट इज 5 to the power -2। अब 5 to the power -2 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आई हैव डन इट फॉर यू। 5 -2, तो अभी जैसे मैंने बताया, जब हमने इसको जब किसी भी नंबर की नेगेटिव पावर होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब रेसिप्रोकल में यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाता है, दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला। तो अब 5 to the power -2 मतलब 1/5 की पावर, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया है। दिस इज़ 5 की पावर 2 मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 की पावर 3 होती तो हमने उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना था। तो 5 × 5 दिस इज 25, 1/25। सेकेंड पार्ट इज -3 to the power 4। -3 power 4, आप देखिए इसमें पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो आप सीधे -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 × -3 × -3 × -3। तो -4 बार आया है, 4 टाइम्स आया, तो प्लस हो जाएगा, -×-+, -×-+। तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 × 3 = 81। थर्ड पार्ट, 1/3 की पावर -5। 1/3 की पावर -5 मतलब 3/1 की पावर 5 हो जाएगी। तो यहाँ हम 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये कुछ नहीं है। देन 1 × 1 × 1 × 1 × 1 5 टाइम्स हो गया। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3 × 3 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 × 3 = 243, और नीचे 1 ही है, तो वो 1 डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को समझिए, क्या है कि सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को किस में छोड़ना है। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन, इस तरह से पावर नोटेशन में हमने आंसर रखना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी रहना चाहिए, मतलब जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो क्वेश्चन जो है जहाँ पावर पॉजिटिव आ जाए और 1 आ जाए वहाँ छोड़ देना चाहिए। बट आपके यहाँ पीछे जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं, जो आपका आंसर फील्ड है उसमें पूरा सॉल्व किया हुआ है, तो मैं दोनों वे में आपको बता देती हूँ, आप जो कि आपको ठीक लगे आप वो यूज़ करिए। फर्स्ट पार्ट इज -3 power 5 / -3 power 7। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करिए, वो क्या था, जब बेसिस सेम हो, व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ डिवीजन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता, व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो यहाँ डिवाइड है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होगी, बेस सेम है, तो -3 power 5 - 7, -3 की पावर -2, यहाँ मैंने जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया है। अब -2 पावर आ गई है, तो इसका पावर एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव करना है, 1/-3, और इसका चूंकि हम रेसिप्रोकल कर चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक क्वेश्चन रहना चाहिए, बट जो आपकी बुक में आंसर है वो इससे आगे भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये पावर नोटेशन आ गई विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ चुका है, बट आपके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, 1 × 1
-3 × -3, तो दिस इज 1/3, 3 जार 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 1/9। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक आंसर रहना चाहिए, बट आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग 1/9 आंसर आना चाहिए। सेकेंड पार्ट इज 1/2 power 3, ये 23 नहीं है, दिस इज 2 to the power 3। लुक एट द क्वेश्चन, दिस इज 1/2 power 3 whole power। जब ऐसे डबल पावर हो, जब x की पावर a और ये b डबल पावर हो, तो उस केस में क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a इंटू बी हो जाता है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए 3 2 6 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंगली यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक 1 × 1 × 1 6 times मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा, 2 × 2 × 2 6 times मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 64। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -5 to the power 4 × 3/5 power 4। -5 इसको एक्सपेंड कर लिया, 3 को भी एक्सपेंड कर लिया, 3 को 4 टाइम्स लिख लिया और 5 को। अब ये देखिए यहाँ कैंसिल होता है, हर केस में -1 -1 -1 -1 रहता है, तो -1 1 को जितनी बार मर्जी आप मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही रहता है। अब चूंकि ये 4 टाइम्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 की पावर 4, दिस इज़ द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट टू सॉल्व इट थॉरली हमने क्या किया, 3 × 3 × 3 × 3, दिस इज 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 = 81, दिस इज़ द आंसर। और अगर पावर नोटेशन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आंसर यहाँ तक रहना चाहिए। नेक्स्ट 3 की पावर -2 × -5 की पावर -2। 3 की पावर -2, अब देखिए एक हमारे पास ये भी रूल है एक्सपोनेंट्स का कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, उन बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लगा देंगे। तो यहाँ मैंने ऐसा ही किया, 3 × -5 किया और पावर -2 आ गई, क्योंकि ये पावर सेम थी, एक्सपोनेंट सेम था, 3 × 5 = 15 और ये हो गया 1/-15, क्योंकि एक्सपोनेंट का नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव में बदल गया, टर्म को रेसिप्रोकल किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब आंसर यहाँ रुकना चाहिए, बट 1 × 1 -15 × -15, दिस इज -× - प्लस हो गया 1/225। फिफ्थ पार्ट, 5 की पावर -1 6 की पावर -1 × 2 की पावर -1। देखो सबको पावर माइनस वन है तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक बाहर माइनस वन लगा देंगे, दिस इज 5 6 = 30, 32 = 60 की पावर -1। अब देखिए 60 पावर -1 है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो दिस इज 1/60। फिफ्थ पार्ट इज 2 पावर -7 / 2 की पावर -10 × 2 की पावर -5। अब पहले देखिए ये लॉ लगेगा, बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है बीच में, तो पावर्स जो है वो माइनस होंगी, तो यहाँ हमने पावर को माइनस किया, -7, एक ये माइनस फॉर्मूला वाला और एक ये -10 ऑलरेडी है, तो -2 - प्लस हो गया, दिस इज 2 की पावर 3 × 2 की पावर -5। अब अगेन देखिए फिर से एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा, क्योंकि बेसिस सेम है, केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम, पावर्स एडेड, 3 + -5, 3 + -5 क्या आएगा इनको सॉल्व करके, दिस इज -2, तो 1/2 की पावर 2, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया है टर्म का रेसिप्रोकल करके, तो दिस इज 1/4। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस यही था कि इसको पावर नोटेशन में रहने देना था, दिस लुक एट दिस पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब पूरा वैल्यू, पूरी उसकी एक आंसर आपने निकालना है, जैसा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में हमने किया अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स। 2 की पावर 0 + 4 की पावर -1 × 3 की पावर 2। अब देखिए कोई भी नंबर को जीरो पावर लगी हो तो एक्सपोनेंट जीरो हो तो आंसर 1 होता है, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 की पावर 0, 2 का एक्सपोनेंट 0 मतलब 1 और ये -1 है तो 1/4 हो गया, पावर 1 आ गई। 3 का स्क्वायर 3 × 3, 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3 = 9। नाउ लुक एट दिस एलसीएम, 1 + 1/4 फ्रैक्शन आ गई, 4 ये 1 है, यहाँ × 4 × 4 करेंगे तो 4 + 1 5/4, 5/4 × 9
सीधे मल्टीप्लाई, 45 by 4 इज द राइट आंसर. सेकेंड पार्ट, दिस इज 8 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 पावर डिवाइडेड बाय 2 पावर माइनस 2. 1 बाय 8 की पावर 2 इंटू 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 10. सो दिस इज 8 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 1 बाय 64, 8 इज 64 और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 वन्स आर 1 एंड 64 टूज आर 128. दिस इज 1 बाय 128 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 1 बाय 2 की पावर 2. दिस इज 1 बाय 4. अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 4, 1 बाय 4 का 4 बन गया. दिस इज 1 बाय 128 इंटू 4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा. 4 वन्स आर 4, 32 आर, तो 1 बाय 32 इज द आंसर. नेक्स्ट, 1 बाय 3 माइनस 2 प्लस 1 बाय 4 पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय 5 पावर माइनस 2. अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते. हम सीधे इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है. दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 पावर 2. 3 इज़ 9, 4 4. अब स्टूडेंट्स कई बार क्या करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 की पावर 2, ऐसा नहीं होता, वो मल्टीप्लाई में होता है. ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता, इसमें आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे. 3 इज़ 9, 4 4 इज़ 16, 5 5 इज़ 25. इन सबको आप प्लस करोगे, 9 प्लस 16 प्लस 25, इट विल गिव यू 50 आंसर. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 2 द पावर माइनस 1 प्लस 3 पावर माइनस 1 प्लस 4 पावर माइनस 1 होल पावर 0. अब किसी भी नंबर को, ये चाहे जो मर्जी नंबर हो, कितना लार्जेस्ट नंबर हो या कितना स्मॉलेस्ट हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, जब पावर 0 आ गई ना, एक्सपोनेंट 0 आ गया, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होना है. सो दिस इज द 1 आंसर. फिफ्थ पार्ट, माइनस 3 बाई 4 पावर माइनस 2 डबल है. जो ऐसे डबल पावर होती है तो वो क्या होती हैं, अभी पीछे भी हमने लॉ ये पढ़ा है, मल्टीप्लाई हो जाता है. तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 इंटू 2, दिस इज़ माइनस 4. अब माइनस इसका ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्म का रेसिप्रोकल. फिर हमने उसको सॉल्व किया, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई. 4 4 द 16, 4 द 64 इंटू 4, 256, और नीचे माइनस सारे प्लस हो जाएंगे. ये देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और नीचे 81 आ जाएगा. 256 बाय 81 इज द आंसर. सिक्स्थ पार्ट, 8 टू द पावर माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर माइनस 3. दिस इज 8 को हमने एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 1 बाई 8 कर दिया, 5 अपनी जगह पे रहा. 2 की पावर माइनस 3 है, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया. सो दिस इज 5 5 इज 25, 2 की पावर 3 मतलब 2 2 इज 4 2 इज 8, ये 8 और 8 कैंसिल हो गए, तो इट इज 25. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच 5 टू द पावर p डिवाइडेड बाय 5 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5. देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी. तो हम लिखेंगे 5 पावर p, ये माइनस और ये माइनस 3, ये हो गया p प्लस 3 इज इक्वल टू 10. अब देखो बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स को कंपेयर करना पड़ेगा. दो चीज़ें इक्वल हैं, इक्वल हमेशा वही होती हैं जिनमें बेसिस भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो. तो पावर्स को इक्वेट कर दीजिए, बेसिस आर सेम, कंपेयरिंग पावर्स. p प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो p इज इक्वल टू 5 माइनस 3, p इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितने हो गए, 2. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m. अब इस जिस तरह से p फाइंड किया था, अब m फाइंड आउट करना है. माइनस 2 बाई 3 पावर माइनस 13 इंटू 3 अपॉन माइनस 2 पावर 8 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 माइनस 2m प्लस 1. अब देखिए किसके इक्वल है, ये माइनस 2 बाई 3 के. यहाँ जो है डिफरेंस आ रहा है, ये भी माइनस 2 बाई 3 है, ये भी माइनस 2 बाई 3. इसको माइनस 2 बाई 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ऊपर पावर का साइन चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो वो हम यहाँ इसका रेसिप्रोकल करके एक्सपोनेंट हमने नेगेटिव लिख लिया. अब ये बेसिस सेम है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ऐड करेंगे तो माइनस 13 प्लस माइनस 8 ये आ जाएगा माइनस 2 बाई 3 की पावर माइनस 21, और ये साइड सेम चलती रहेगी. अब देखिए बेसिस सेम है, कंपेयरिंग पावर्स, दिस इज माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू
21 ये माइनस 21 है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये प्लस 1 इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 22, m इज इक्वल टू माइनस 22 अपॉन दिस माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 11 जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज Evaluate मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/6 की पावर 7 इंटू 6/5 की पावर 3। देखिए बेसिस सेम कम होगी, जब ये 5/6 हो जाए या ये इस तरह सेम हो जाए, रेसिप्रोकल एक का करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया 5/6 और फिर पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने टर्म को रेसिप्रोकल किया है। तो 5/6 अब बेसिस सेम होंगी तो ये फॉर्मूला आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हर बार मेंशन करना है, एक्स की पावर बी दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर ए प्लस बी, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर एडेड। तो 7 + -3 दिस इज 4, 7 - 3 इज पावर 4 हो जाएगी। 5/6 की पावर 4 का मतलब 5 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको ये मिलेगा 6 × 5 और ये 6 × 6 × 6 × 6 करके 1296 यू विल गेट। सेकेंड पार्ट 1/3 पावर माइनस 2 -1/2 पावर माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/4 पावर माइनस दिस इज माइनस 2। सो इसका पहले आप रेसिप्रोकल करो, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाओ, 3/1 2/1 पावर दोनों की पॉजिटिव हो गई। और यहाँ अब 3 का स्क्वायर 3 × 3 कितना होता है 9, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 4 × 8 9 - 8 1 हो गया। डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज। अब सबसे पहले क्या करना, देखिए यहाँ डबल बार रेसिप्रोकल होगा, क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ नेगेटिव पावर है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे 4/1 लिखना होगा और उसके बाद अब ये डिवाइड है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फिर से टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड सॉल्व करने का एक ही तरीका है, उसका मल्टीप्लाई में चेंज करो और जो उसके नेक्स्ट टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल कर लो। सो दिस इज 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 2 मतलब 1 × 1 4 × 4 16, तो 1 × 16 1/16। क्वेश्चन नंबर 7 दिस इज सिंप्लीफाई, ये आपको कुछ दो क्वेश्चंस दिए हैं, दो पार्ट्स दिए हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। चलिए फर्स्ट करते हैं हम, 3 - 5 × 10 - 5 × 25 ये क्वेश्चन गिवन है। 3 - 5 10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स बनाओ उसके 2 and 5, 2 5s are 10 और पावर माइनस 5। 25 क्या होता है 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 2 5 की पावर -7 और 3 क्या होता है 3 × 2 = 6 तो 3 और ये 2 और पावर माइनस 5। अब आप इनको इंडिपेंडेंट पावर्स लगाएंगे पहले, जैसे यहाँ ये स्टेप आएगा 2 की पावर -5 5 की पावर -5 3 की पावर -5 2 की पावर -5 ये लिख लिया। अब डिवीजन के केस में 3 की पावर -5 और ये देखिए ये 3 की पावर -5 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो डिवीजन के केस में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट का माइनस लगा के ये लिख लिया। इसी तरह से 2 के लिए भी यही करेंगे और 5 के लिए, 5 की ये पावर्स जो हैं ऐड होंगी और ये जो नीचे से जाएगी ये सब्ट्रैक्ट होगी। सो ये हो गया 5 की पावर -5 + 5 2 की पावर -5 + 5 और ये 5 की पावर दिस इज -3 + 7 -(-+7) 3 की पावर 0 2 की पावर 0 -5 + 5 0 हो जाएंगे तो 5 की पावर 4 आ जाएगा। इसका आंसर 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया और 5 × 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो 6 × 5 आ गया। सेकेंड पार्ट इज दिस 25 t⁻⁴ 5 - 3 10 × t⁻⁸ वेयर t इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा हुआ है t इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि t डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में t 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सारा डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा और रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 पिछले क्वेश्चन में भी किया, 5 × 5 = 25 होता है, t⁻⁴ 5 - 3 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2 = 10 या 2 × 5 = 10 तो ये 1 पावर होगी क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 पावर होती है, 0 नहीं मानना उसको 1 माना जाता है, t⁻⁸ अब 5 के लिए देखिए ये 2
ये डिवाइड में है तो माइनस ऑफ माइनस थ्री, और ये डिवाइड में है तो माइनस वन. टी की पावर माइनस फोर, दिस इज माइनस ऑफ माइनस एट, और ये टू अकेला है, टू के साथ और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो टू डिनोमिनेटर में ही रहेगा. फाइव की पावर टू, दिस इज प्लस थ्री माइनस वन इंटू टी की पावर माइनस फोर प्लस एट, दिस इज थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस वन कितने हो गए फोर, टी की पावर फोर टू. फाइव की पावर फोर का मतलब फाइव को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, इट विल गिव यू सिक्स टू फाइव इंटू टी की पावर फोर ओवर टू, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एट टू द पावर माइनस थ्री एज ए पावर विद बेस टू. एक्स एट की पावर माइनस थ्री को इस तरह से एक्सप्रेस करो कि बेस टू हो जाए. एट की पावर माइनस थ्री, एट को क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री बाहर एज इट इज रहने दीजिए, एट का फैक्टर्स बना टू टू जा फोर टू जा एट, तो ये कितनी होगी टू की पावर थ्री, और ये एक बाहर वाला थ्री, डबल पावर हो गई तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू की पावर माइनस नाइन. सो दिस इज द आंसर. इसमें बेस देखिए टू हो गया, और रहा ये और ये रहा सेम नंबर, दोनों का आंसर सेम आना है. नेक्स्ट है उसी में 125 को पावर माइनस फोर, इसको एक्सप्रेस करना एज अ पावर ऑफ बेस ऑफ फाइव, फाइव बेस रहे तो फाइव 125 का फैक्टर्स बनाओ, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, यानी कि फाइव की पावर थ्री होल पावर माइनस फोर, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो फाइव की पावर माइनस ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व विद नेगेटिव साइन, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नाउ लुक एट दिस, फर्स्ट पार्ट इज a की पावर m इंटू ए की पावर n, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी एट m प्लस n, सो c इज द राइट ऑप्शन. 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8, तो ये होगा 3 की पावर 7 माइनस 8, मतलब 3 की पावर माइनस 1, 3 की पावर माइनस 1 मतलब 1 बाय 3, रेसिप्रोकल करेंगे जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट लाना होगा, क्योंकि यहाँ अगर ये ऑप्शन है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, 1 बाय 3 है, तो हम इसको उस फॉर्म में ले आएंगे. नेक्स्ट 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 होल पावर 0, अभी मैंने बताया कि जब 0 पावर लगी है बीच में कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या रहना है 1, सी इज द राइट ऑप्शन. द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 और बाहर से पावर 4, तो 3 4 जा क्या आ जाएगा 5 की पावर 12, बी इज द राइट ऑप्शन. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 2x माइनस 1 और 5 की पावर 5, तो कंपेयरिंग पावर्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 विच एम्प्लॉयज 2x इज इक्वल टू 5, ये इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाय 2 मतलब 3, बी 3 इज द राइट ऑप्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज, आई होप यू हैव गॉट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट.